हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल शेयर के बारे में। पेनी स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है 33 रुपए से गिर के अभी 12 रुपए के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। एंड बात करेंगे हम Q1 2022 के रिजल्ट्स की। एंड यहाँ पे बात करेंगे क्या यहाँ पे मौका होने वाला है, धोखा रहने वाला है, आगे की अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है, यहाँ पे कंपनी क्या आगे कुछ बड़ा करने वाली है, कैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ने वाली है। एंड बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ की, सभी न्यूज़ की तफसील से एनालिसिस करने वाले। फर्स्ट हम यदि आज का प्राइस चेक करें तो 12 रुपए 25 पैसे के अराउंड पे आज के दिन ट्रेड करता रहा है। एंड यदि आप देखें इसका 1 ईयर का यदि आप यहां पे चार्ट पैटर्न देखें तो आपको एक बहुत बड़ी तेजी यहां पे शो होती हुई भी दिखाई दे रही होगी। जो तेजी इसमें आई थी वो अभी गिरावट के साथ वापस हो चुकी है। 12 रुपए 25 पैसे पे शेयर का प्राइस समय ट्रेड कर रहा है। यदि आप यहां पे देखें कंपनी का जो लोगो भी बोलता है, यहां पे बोलता है सन फॉर लाइफ, मतलब ये यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो यहां पे पूरी की पूरी सौर ऊर्जा पे काम करते हैं। ये जो पूरी कंपनी है सौर ऊर्जा वाली कंपनी है, मतलब कुल मिला के यहां पे इलेक्ट्रीफाई कंपनी तो है ही है, साथ साथ यहां पे सौर ऊर्जा वाली कंपनी रहने वाली है। फर्स्ट यदि आप यहां पे चेक करें 52 वीक लो, तो 6 रुपए 5 पैसे तक शेयर का प्राइस यहां पे जा चुका था, लेकिन एक अच्छी तेजी के साथ अभी इस समय 12 रुपए के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यदि आप इसका कहीं ना कहीं हाई देखें, 52 वीक हाई देखें, तो वो 30 रुपए के ऊपर रहने वाला है। आखिरकार इस शेयर में ऐसा क्या हुआ कि जो 33 रुपए से शेयर का प्राइस यहां पे टूटते हुए 6 रुपए जा पहुंचा था। इसका मेन रीजन था पंप एंड डंप। शेयर को यहां पे पंप किया गया था यहां पे इनसाइडरों के द्वारा, एंड जो यहां पे ऑपरेटर थे उनके द्वारा काफी ऊपर ले जाया गया था, देन फिर वहां से एकदम डंप भी कर दिया गया था। देन फिर यदि आप देखें तो 6 रुपए के अराउंड तक वन ईयर का लो इसका 6 रुपए का था, वो उसके पहले था जब ये पंप नहीं हुआ था। उसके बाद फिर यदि हम इसमें चेक करें, यदि आप यहाँ पे 6 मंथ का भी डाटा यदि चेक करें तो 6 मंथ में जो गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी अभी थोड़ी सी यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्या इसके टारगेट 15 रुपए के ऊपर रह सकते हैं, 32 रुपए तक कब जाएगा कि नहीं जाएगा, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो में। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। यदि आप यहाँ पे मोटा मोटी फाइनेंशियल रिजल्ट्स यदि चेक करें तो सेल्स यदि आप इस समय देखें तो जून 2022 के डाटा में जो सेल्स सामने निकल के आई वो ओनली 10 करोड़ की है, जबकि इसकी लास्ट क्वार्टर में सेल्स मार्च क्वार्टर में 40 करोड़ की थी। तो यहाँ पर सेल्स में जबरदस्त गिरावट है, 30 करोड़ की गिरावट सेल्स में हुई है। कंपनी को बहुत सारे झटके यहाँ पर देखने को मिले थे, जिस कारण से यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस है वो भी काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। यदि हम तफसीस से यहाँ पर एनालिसिस करें Q1 के रिजल्ट्स की, तो 10 करोड़ 47 लाख की सेल्स इस समय निकल के आई, जो यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर से सबसे कम है, क्योंकि दिसंबर 2021 के क्वार्टर में यहाँ पर 24 करोड़ से ऊपर की सेल्स आई थी। मार्च क्वार्टर में यदि आप यहाँ पर चेक करें तो 40 करोड़ से ऊपर की सेल्स है। देन यदि आप इस समय देखें तो 10 करोड़ के अराउंड के यहाँ पर सेल्स सामने निकल के आई। एंड यदि आप यहाँ पर एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी ने खर्चे भी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे के पूरे कंपनी खर्चे यहाँ पर कर देती। आप किसी भी क्वार्टर में देखें जो भी इनकी सेल्स होती है उतने ही कंपनी खर्चे कर डालती है, जिस कारण से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। ओनली यदि आप देखें तो 14 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा था, देन वो नीचे जाते जाते यदि आप नेट प्रॉफिट देखें तो वो ओनली 22 लाख का बचा है। करोड़ में कहीं भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन यदि आप एक चीज़ पर गौर करें तो कंपनी के प्रॉफिट कहीं भी नेगेटिव में नहीं है, हमेशा कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में रहती है। एंड इस समय भी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट में, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि कंपनी जितनी सेल्स करती है उतने ही यहां पे एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे यहां पे कर डालती है, जिस कारण से कंपनी की यहां पे नेट प्रॉफिट बहुत कम निकल के आती है। साथ साथ यदि आप यहां पे टेक्निकली रूप से भी इस समय एक बार गौर करें तो 50 डेज डीएमए जो इस समय चल रहा है वो 12 रुपए 83 पैसे, जबकि इस समय शेयर का जो प्राइस है वो 12 रुपए 35 पैसे, मतलब अपने 50 डेज डीएमए से कहीं ना कहीं नीचे, जिसके कारण यहां पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टर्म में नीचे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में दोनों टर्म में यहां पे बीआरएस मोड में शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इसमें तेजी कब आ सकती है, तो तेजी आने के चांस तभी हैं जब ये अपनी जो ये आप देख रहे हैं जो ये पर्पल लाइन है, ये येलो लाइन एंड ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं कर जाती, ये एक बार इसको क्रॉस कर जाने दीजिए, देन फिर उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टर्म में यहाँ पे तेजी बनती हुई शो होती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब जो इस समय जो प्राइस है वो यदि 50 डेज डीएमए एंड 200 डेज डीएमए से ऊपर निकलता है, देन फिर वहाँ से आप एक अच्छी तेजी की ओर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बात करें यदि लॉन्ग टर्म के रिटर्न की, तो बेहतरीन रिटर्न है, कोई भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं है। 5 ईयर के रिटर्न 1000% से भी ऊपर है, 3 ईयर के रिटर्न 432% से ऊपर है। एंड यदि बात करें 2 ईयर के रिटर्न की, तो वो भी यहाँ पे 334% से ऊपर के। 1 ईयर के रिटर्न लगभग यहाँ पे 100% के। जो अभी इसमें गिरावट स्टार्ट हुई है वो अभी लास्ट 6 मंथ से ही हुई है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे जरूर यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न बनाए हुए हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टरों की थोड़ी सी यहाँ पे बॉट लगी हुई है। साथ साथ यदि बात करें वॉल्यूम
वॉल्यूम एंड डिलीवरी की। तो वॉल्यूम इस समय जो सामने निकल के आया है वो 21 लाख शेयरों के वॉल्यूम है। लास्ट ट्रेडिंग टाइम में यदि आप चेक करें 1 वीक के एवरेज में 25 लाख शेयरों के वॉल्यूम थे, उसके पहले 1 मंथ के एवरेज में लगातार 38 लाख के वॉल्यूम सामने निकलते हुए आ चुके। तो वॉल्यूम में यहाँ पर जबरदस्त गिरावट है। वॉल्यूम में गिरावट के साथ साथ डिलीवरी वेस पैटर्न में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज बेसिस पर भी देखें तो भी यहाँ पर गिरावट है, क्योंकि 1 मंथ के एवरेज में 51% के अराउंड की डिलीवरी थी। यदि आप 1 वीक के एवरेज में देखें तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी सा हाई रहने वाला है। देन यदि आप कल के दिन भी देखें तो 56% के अराउंड की डिलीवरी यहाँ पर रहने वाली। तो डिलीवरी परसेंटेज में भी यहाँ पर गिरावट है। एंड यदि बीएससी के काउंटर की बात करें तो 62% के अराउंड की डिलीवरी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उठते हुए बनते हुए देखने को मिली। एनएससी के काउंटर की यदि बात करें तो 55% के अराउंड की डिलीवरी एनएससी के काउंटर पर बनते हुए देखने को मिली है। तो एनएससी बीएससी में एक ठीक ठाक डिलीवरी वेस्ट पैटर्न उठ रहा है, जबकि बीएससी में थोड़ी सा ज्यादा डिलीवरी वेस्ट पैटर्न है। 62% के ऊपर की डिलीवरी बीएससी के पैटर्न में सामने निकल के आ रही है। यदि हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस समय जो सामने निकल प्रमोटर के पास 31.97% का स्टेक है। एंड यदि बात करें हम यहाँ पे एफआईआईस की, तो एफआईआईस के द्वारा लगातार माल की बिकवाली इस शेयर में की जाती रही है। एंड यदि आप इस समय देखें तो 0.02% का स्टेक इस समय एफआईआईस के पास बन के सामने निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे जून 2021 में काफ़ी अच्छा स्टेक यहाँ पर 0.43% का रहा करता था। तो एफआईआईस ने लगातार इस शेयर में बिकवाली की है, जो यहाँ पर गिरावट की मेन वजहों में से एक वजह रही है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। साथ साथ यदि डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास बहुत छोटा सा स्टेक 0.01% का स्टेक मार्च 2022 के डाटा तक यहाँ पे, अभी जून 2022 के डाटा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के डाटा नहीं आए। जैसे ही आ जाते हैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। प्रॉस की बात करें तो कंपनी का एक सबसे अच्छा प्रॉस है, जो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री होने का वादा करती है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी यहाँ पे रहने वाली। साथ साथ यदि कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्स सामने निकल के आ रहा है वो यहाँ स्टॉक का प्राइस जो इस समय ट्रेड कर रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से 3.73 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ऊपर ट्रेड करना इसके लिए एक छोटा सा कॉन्स है। सेकंड कॉन्स की यदि बात करें तो ये डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक के सारे सामने ये यहाँ पर जरूर कॉन्स सामने निकल के आता है, वो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट नहीं करते हैं। उसके साथ यदि बात करें लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की यहाँ पर रहने वाली है, तो ये भी यहाँ पर कॉन्स है। पुअर सेल्स ग्रोथ रहना इसकी एक कॉन्स है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 32% काफ़ी कम यहाँ पे दर्शाई गई, जो यहाँ पे एक कौन सामने निकल। ये सारे कौन से इसके रहने वाले। एंड लास्ट में हम बात करेंगे एएमओ सेक्शन पे। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 500 क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी, जो थोड़ी सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाते हुए जरूर जाएंगे। बकाया ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।